और बुआ जा रहे हैं हम, मैं नई वाली गाड़ी की ट्राई ले रहा हूँ बुआ की। बुआ जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही है एकदम। 12 तारीख की सगाई है और 18 तारीख की शादी है। गाड़ी एकदम हो रही है यहाँ पे कुकिंग, लेकिन मेरा तो फास्ट नहीं है। ये क्या बना रही हो? पराठे कुटू के। कुटू के जो तुझे गाड़ी चाहिए हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आपको माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत तरक्की करो आप भी। और गाइस कल है मेरा शूट, तो कल मैं शूट का एक प्रॉपर ब्लॉग डालूंगा, उसमें दिखाऊंगा मैं बहुत बड़ी ब्रांड के साथ शूट करने वाला हूँ और मैं क्या ही अपनी तारीफ करूँ। और हाँ गाइस, मेरे को कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, आप फेक हो, आप दोगले हो, तो क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं और जीतू निकल गए भम्मू बुआ के लिए बर्फ़ी लेने तिलपता से। जैसा कि आपने ये रोड तो देखा होगा, जाना वाना है, ये जा रहा है दादरी और तिलपता, तो सीधा मैं पहुंच गया बिना कुछ करे वो बर्फ़ी वाली शॉप पर। और आप यहां पर देख सकते हो आपकी आंखों के सामने फ्रेश बर्फ़ी, फ्रेश कलाकंद, फ्रेश लस्सी आपको बिल्कुल खाने के लिए और पीने के लिए मिलेगी। ये देखो, फिर मुझे लगा बर्फ़ी में अभी टाइम है तो क्यों ना लस्सी पी ली जाए, और यहाँ से मैंने देखो ताज़ी और फ्रेश लस्सी पी, एकदम बहुत मज़ा आ गया। तो गाइस मैं बस बर्फ़ी लेके आया हूँ भम्मू के लिए और कलाकंद लेके आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ भम्मू से मिलने, देखना टैनिंग कितनी हो रही है। मम्मी यार हाथ पे देखियो, ऊपर कितने काले हो रहे हैं। तो गाइस मैं फाइनली जा रहा हूँ आज भम्मू के पास मिलने, तो मैं जा रहा हूँ बुआ जी के पास मिलने, चलो। और गाइस कमेंट करना ग्रेटर नोएडा तिलपता, तिलपता की बर्फ़ी इतनी फेमस बर्फ़ी है, इतनी फेमस और इतनी अच्छी बर्फ़ी है। वहाँ की बर्फ़ी जो भी खाता है उसका फ़ैन हो जाता है, और वहाँ की जो कलाकंद है वो भी बहुत कम मीठे की और इतनी टेस्टी बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत पसंद है, बुआ जी को भी बहुत पसंद है, और रिक्की भी बहुत खाता है। रिक्की ना एक हमारे जो गाँव में पड़ती है, चाचा लेके आते हैं नवादा वाला, उसकी भी बर्फ़ी बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो अभी मैं ये लेके जा रहा हूँ मम्मू के पास, तो चलो चलते हैं मेरे साथ। धूप बहुत तेज़ है तो मैंने ये चश्मा भी लगा लिया है। मम्मी कैसा लग रहा है ये ब्लैक? बिल्कुल देखना, अच्छा लग रहा है, बढ़िया मस्त। मैं जेपी ग्रीन्स में पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ बुआ के पास, और मैं यश के रूम में बैठा हूँ, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो अभी बुआ जी ऊपर कुछ कर रही है, कोई आया हुआ है उनके पास बैठी है, ऑस्कर मेरे पास लेटा है और शीरो भी उधर बैठा है। मैं बुआ जी के लिए लाया था मिठाई, जैसा कि बुआ ने अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो मैं तो अब चलते हैं बुआ जी के पास, मिलते हैं पाई से और बुआ से। हम ज़्यादातर घर में रहते हैं तो पाई बोलते हैं, सब पाई बोलते हैं, तो पाई थोड़ा कम निकलता है मुँह से। और जाएगा मेरे साथ गाड़ी में, चलो बाबू बब्बू नई वाली गाड़ी में जाएगा, इसमें जाएगा पुरानी में ही ले जाओ इसे। ऑस्कर जा रहे हैं अब गाड़ी में, ऑस्कर को मैं घुमा रहा हूँ। है ऑस्कर, ऑस्कर, ऑस्कर रिक्की कहाँ है? रिक्की अब ऑस्कर घूमेगा मेरे साथ गाड़ी में। ऑस्कर मुझे मिस कर रहा था बहुत, है ऑस्कर, ऑस्कर मुझे मिस कर रहा था बहुत, चलो। और गाइस सबसे अच्छी लगती है मुझे यहाँ की हरियाली, अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जेपी ग्रीन्स में जो पेड़ है ना, वो इस टाइम इतने हरे भरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गर्मी में बिल्कुल भी नहीं घूम पाता है इसको, सर्दियों में हम यही वाला राउंड लगवाते थे मैं और रिक्की, ये वाला राउंड पूरा। और देखो कितना प्यारा रास्ता है। ऑस्कर, 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 बाबू को वो दवाई वगैरह का ध्यान रखना, बाबू बहुत दवाई खा लेता है वो, मैंने खट्टी टॉफी खाई है, टाइम से खाता है बहुत दवाई।
बाबू का ध्यान रखना। हाँ बाबू, बाबू दवाई खाए तू? दवाई खाता है? कैसे खाए दवाई? हाँ अभी से लग रहा है, दवाई खिलाओ इसे। अभी कैसे खिला दो? और ये करो आप माता रानी के दर्शन, देखो जय माता दी सब लिखो। और ये देखो मैंने सबसे पहले बर्फी ला के भगवान जी के लिए रखी है। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी और ये है माता रानी, इनकी मैंने बहुत सेवा की है। अबुआ जी अखंड जोत जलाती हैं हमेशा। अच्छा मैं जब था तो तब लक्ष्मी जी गणेश जी ये वाले नहीं थे, थोड़े छोटे थे, अब थोड़े बड़े आ गए हैं। हो रही है यहाँ पे कुकिंग, लेकिन मेरा तो फास्ट नहीं है। ये क्या बना रही हो? पराठे कूटू के और मीन के आटे के। जब आप अकेली बरती हो घर में और कोई भी है, तो है कौन भी है? तो सैंडी और आप हो, जैसे ये तीन बन गए और ये इतना सारा नहीं खाई लेते हैं, तो नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं। मैं तो बिना व्रत के भी खा रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है कि सब लोग ना एक आध एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। पता है मैं बिना व्रत के भी खाए रहा हूँ। हाँ। आप क्योंकि इतना सारा बनाओ, इसमें वो होगा आलू टमाटर, इसमें आलू टमाटर बनाए। ये रहे, ये है खीर, आलू टमाटर और ये होगी चटनी। और बुआ जा रहे हैं हम, मैं नई वाली गाड़ी की ट्राई ले रहा हूँ बुआ के। बुआ जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही है एकदम बढ़िया एकदम। अब परसों जाएंगे मैं और बुआ जी शादी में, सगाई हाँ सगाई में, क्योंकि हमारे जो ताऊ जी का बेटा है उसकी शादी है, सगाई है मतलब। अभी पहले सगाई में 12 तारीख की सगाई है और 18 तारीख की शादी है। बढ़िया गाड़ी एकदम बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं बुआ जी की गाड़ी की ट्राई ले रहा हूँ, नई वाली गाड़ी है, इतनी मस्त चल रही है ना, बढ़िया एकदम। देखो क्या मजा आ रहा, मुझे तो मजा आ गया सच में यार। और गाइस कमेंट करना अच्छे अच्छे, मैं बुआ जी के पास आ गया हूँ फाइनली, और उनके पास हूँ और मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना रिश्ते कभी नहीं बिगड़ते, मैं मानता हूँ अनबन होती है हर चीज़ में, हर चीज़ अपने टाइम पर ठीक हो जाती है, बस उसको कभी भी आप गलत मत लो और गलत समझो मत, और मौका मत दो दूसरों को बोलने का। अब बहुत सारे लोग इस पे गलत कमेंट भी करेंगे, करने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अपने हैं तो अपने, आज ना कल तो कभी तो बोलचाल होगी। और ये बात मुझे लखन भैया ने बोली थी कि हमेशा तू ठीक रही हो, आज ना कल तू कभी भी मम्मी से बोलेगा, पापा से बोलेगा, तुम्हारे बीच जो भी है वो कभी तो ठीक होगा। तो फाइनली ठीक हो गया, मेरा तो ठीक हो गया। ट्राई लेने में इतना अच्छा लग रहा है, मतलब नई गाड़ी चला के इतना मस्त लग रहा है। हेलो हेलो करो हेलो करो, रुक जा। हेलो की और सैंडी अभी गए दोनों, कह रहे नई गाड़ी की ट्राई ले रहा तू, ऑडी की ट्राई ले। मैंने कहा अभी लूंगा। मैं और बुआ जी नीचे सलोन पर आए हैं, क्योंकि बुआ जी और मैं भी बुआ के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है मेरे ताऊ जी के वहाँ पे जाने का। उनके लड़के की परसों सगाई है, मतलब हाँ परसों, कल तो मेरा शूट है, शूट पर जाना है मुझे, और परसों उनके बेटे की सगाई है, तो वहाँ पर मैं और बुआ साथ में जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे हम पहले बनाते थे ना बुआ भतीजे वाले कंटेंट, तो बुआ भतीजे वाले कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आते थे, तो बुआ जी ने बोला हम फिर से स्टार्ट करते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को बहुत पसंद भी आए थे, बहुत लोगों ने बोला था कि आप साथ में काम करो, साथ में वीडियो बनाओ, तो हम जल्द अब वीडियो में एक साथ मिलेंगे आपको। टच वुड नज़र ना लगे हमारी जोड़ी को, मतलब बुआ और भतीजे की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। पता नहीं रिश्ते कब खराब हो जाते हैं, कब ठीक हो जाते हैं, ये नहीं पता चलता, लेकिन रिश्तों को संवार के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। और हाँ गाइस, मैं बहुत लोग मुझे नेगेटिव बोलेंगे, कुछ भी बोलो, लेकिन जो रिश्ते होते हैं उनको निभाने के लिए हमेशा मैं आगे रहता हूँ। कभी भी कोई भी मुझे याद करता है, काम से नहीं, कैसे भी याद करे, या काम से करे या कैसे भी करे, मैं आगे आ जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है इंटेंशन लड़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, मैं बिल्कुल वो नहीं रहता, इनसिक्योर नहीं होता कभी भी किसी से कि कोई मुझे क्या बोलेगा। जिसको बोलना है, जिसको समझना है, जो भी समझना है वो समझो, लेकिन बुआ भतीजे का बॉन्ड था, है और रहेगा, और अच्छे से हम दोनों साथ में काम करेंगे, मैं और बुआ, और वीडियोस बनाएंगे। सैंडी भी है मेरे साथ, करण भी है, पूरी फैमिली है मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको आप नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली लो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये दोनों आ गए यार, मुझे ऑडी की और ट्राई करा दो। अच्छा है ना, और कौन सी गाड़ी है जो तुझे गाड़ी चाहिए, तो सबकी ड्राइव मिलेगी। रुक जा, सबकी ड्राइव नहीं, ये जो नई आई है दोनों, इनकी बीच में खड़ा है बिल्कुल, और पता है जिस तरह से जान लगा दिया पीछे, बीच में तुम दोनों खड़े हो, झूठ मत बोल। सबसे
संडे इधर फेस करियो, ऐसे करियो। देख यार आज भी तू ऐसी ही, तू कम नहीं हुई। मिल गया मैं सीरो को। हाँ आ जा, क्या हुआ, कैसे हो आप? हाँ बढ़िया। अच्छा लगा? बढ़िया लग रहा है। रुकम अंकल आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, इतने सीधे से क्यों लग रहे हो, बॉल भी नहीं रहे हो? नहीं नहीं मैं यार मेरे को तो यार बहुत ही याद आ रहा था। बहुत बहुत याद आ रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर है ना मुझे? ऐसा मत बोलो, कॉन्टेक्ट नंबर था आपके पास। अरे झूठ क्यों बोल रहे, कब दिया कॉन्टेक्ट नंबर? अच्छा अभी दे रहा हूँ। बहादुर अंकल आप कैसे हो? मैं जा रहा हूँ। बहादुर अंकल तो कभी बात ही नहीं करते। मैं साथ में बात नहीं करता। खत्म। आई होप गाइज आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।